गाइज हमारे गेम के अंदर यहाँ पे वैलेंटाइन डे के बहुत सारे रिवॉर्ड्स आने वाले हैं, बहुत सारे इवेंट आने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको यहाँ पे, फ्री रिवॉर्ड्स दिखाऊंगा, साथ ही साथ यहाँ पे वैलेंटाइन डे के यहाँ पे बहुत सारे नए इमोट निकल के आ रहे हैं। और अगर आप लोग टू नाइट अपडेट भी जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो में आपको टू नाइट अपडेट भी बताऊंगा। और सभी लोग ये बात का ध्यान रखना यार, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपने इतना कर दिया है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं टू नाइट अपडेट के बारे में ही, मतलब कि आज रात 12 बजे के बाद 25 जनवरी को क्या इवेंट आएगा। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हमारे गेम में आज ही नया टॉप अप इवेंट आया है, साथ ही साथ यहाँ पे ऑलरेडी गेम के अंदर बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को बता दूंगा इसकी कल के लिए, यहाँ पे हमारे गेम में कोई भी इवेंट कन्फर्म नहीं है, हो सकता है हमारे गेम में कल कुछ भी इवेंट ना आए। बस यहाँ पे कल के लिए कोई भी इवेंट कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे वैलेंटाइन डे इवेंट के बारे में। एक एक करके गाइस सारे के सारे आइटम्स आपको अच्छे से दिखाऊंगा, तो बिना स्किप करे देखना। सबसे पहले आप लोग ये फीमेल का बंडल देखो, जो भी सारे के सारे आइटम्स में आपको आज दिखाऊंगा गाइस, ये सारे के सारे वैलेंटाइन थीम पे ही बेस होने वाले है। चाहे वो ये फीमेल का बंडल हो या फिर ये वाला कमाल का मेल का बंडल जो आप अपने स्क्रीन में देख ही पा रहे हो। ये वाला बंडल के जो हेयर्स है गाइस वो आप लोग देख सकते हो पिंक कलर के है। उसके बाद इसका जो जैकेट है भाई वो मिक्स है रेड एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। बाकी ओवरऑल बंडल तो काफी अच्छा है। फिर गाइस यहाँ पे हमें एक और इसके अंदर फीमेल का बंडल देखने को मिल रहा है। इस वाले फीमेल के बंडल से गाइस काफी अच्छा एनिमेशन निकल रहा है एंड ये बंडल भी बहुत ज्यादा ओपी है। और गाइस हम यहाँ पे वैलेंटाइन स्पेशल न्यू इमोट्स देखो, ये वाला इमोट सबसे पहले हमें गेम के अंदर देखने को मिलेगा। और ये गाइस हमारे इमोट पार्टी इवेंट में आ सकता है जो की वैलेंटाइन थीम पे पूरा का पूरा बेस होगा, लेकिन अभी तक ये अच्छे से कंफर्म नहीं हुआ है। फिर गाइस यहाँ पे ये वाला इमोट देखो, इस पूरे इवेंट में आपको सिर्फ दो इमोट देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों के दोनों इमोट ही काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर गाइस यहाँ पे कुछ गन की स्किन्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें प्लाज्मा गन की स्किन देखने को मिलती है। एट्रीब्यूट की बात करें तो सिंगल रेंज एंड सिंगल आर्मर पेनेट्रेशन, साथ ही साथ एक्यूरेसी माइनस है। और हमें इसके अंदर गाइस एक पैराफल की स्किन देखने को मिल रही है जो की हमें नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके एट्रीब्यूट की बात करें तो हमें इसके अंदर डबल मैगजीन एंड सिंगल आर्मर पेनेट्रेशन देखने को मिलता है एंड इसका लुक तो भाई बहुत ही कमाल का है। फिर गाइस इसके अंदर एक और गन की स्किन है जो कि है ग्रोजा गन की, जिसमें हमें सिंगल डैमेज एंड डबल एक्यूरेसी प्लस मिलता है, साथ ही साथ मैगजीन माइनस है। और इसके अंदर गाइस हमें कटाना की स्किन भी देखने को मिलती है जिसका लुक भाई मुझे बहुत पसंद आया। और लास्ट में गाइस हमें यहाँ पे ये वाली ग्लोअल की स्किन मिल रही है जो की भाई मतलब आइसक्रीम की तरह हमें लग रही है। आप सभी को गाइस कौन सा रिवॉर्ड सबसे ज्यादा पसंद आया है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। कमेंट बॉक्स आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों पे शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।